चलिए, तो हम देख रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। लोक स्वास्थ्य, सड़कें, पुल संविधान की 12वीं सूची अनुसूची में शामिल है जो संबंधित है अनुच्छेद 243 वा से। अगला, संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन हुआ था 6 तथा 9 मई 1961 को। यह अधिवेशन दहेज प्रतिबंध विधेयक एक्ट 1959 के लिए बुलाया गया था जिसमें यह विधेयक पारित हो गया था। अगला, 21 अनुच्छेद में सांसदों के वेतन भत्ते का वर्णन है तो अनुच्छेद 106 में। अगला, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1957 को। याद रखिए इसे हमेशा, जम्मू कश्मीर में अब कोई संविधान उसका नहीं रह गया, इसे हटा दिया गया 2019 में 370 और 35 को। अगला है, जब कोई साधारण विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। अगला है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1994 में। अगला है, सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया? धारा 263 के अंतर्गत। अगला है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धर्म विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल की अनुमति के बिना। अगला है, भारतीय संविधान के प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाला सत्ता है राष्ट्रपति। अगला है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी से हट निकाल दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। अगला है, भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, यह सिद्ध कथन किसका है? विंसेंट स्मिथ का। अगला है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? साधारण बहुमत। अगला, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। याद रखिए, रूस को पहले सोवियत संघ बोला जाता था। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पद चुनौती को विवेचित करता है? तो अनुच्छेद 75। अगला है, कौन से भारत संविधान के संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष वर्ग के सब बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो यह नीति निर्देशक तत्व। अगला है, भारत के संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों को वरीयता प्राप्त की गई? 42वें संविधान संशोधन। अगला है, नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? अनुच्छेद 16। अगला है, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो। अगला है, लोकसभा में राज्यवाद सीटों का आवंटन 1970 की गणना पर आधारित है, जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किया गया कि किस वर्ष तक यह यथावत रहेगा? 2026 तक। यहाँ रखिए, यह याद रखिए 1971 है, ना कि 1970 है। साथ यहाँ है एक उसके बाद। अगला है, लेखानुदान क्या होता है? तो यह नियमित बजट पारित होने से पहले विभिन्न प्रशासनिक विभागों को अपना काम चलाने के लिए संसद द्वारा स्वीकृत अग्रिम अनुदान। अगला है, संविधान के अनुसार किसी भी सदन में किस पर संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो याद रखिए, विनियोग विधेयक। अगला है, भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1955 में। अगला है, संविधान की प्रस्तावना का अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार। अगला है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? तो याद रखिए, 42वें संविधान संशोधन को। अगला है, कार संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? मंत्री परिषद।
अगला है 42वें संविधान संशोधन से पहले पंथनिरपेक्ष शब्द एक का एकमात्र उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 25(2) में। अगला अस्पष्टता का अंत करके छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद में दंडनीय अपराध घोषित किया गया? अनुच्छेद 17 है। अगला संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? चौथी अनुसूची में। अगला संविधान के किस संशोधन में डोगरी, पैथली, संथाली तथा बोडो भाषा को सम्मिलित किया गया? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। अब 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हो गई है। अगला 1989 में सिविल सर्विस परीक्षा पद्धति की समीक्षा हेतु किस समिति आयोग का गठन किया गया था? सतीश चंद्रा। अगला प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में कितना स्थान महिलाओं के को आरक्षित होते हैं? 1/3, 1/3। अगला स्टॉक एक्सचेंजों और वायदा कारोबार के सव्यवहार व्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर किसके द्वारा लगाया जाता है? संघ सरकार द्वारा। अगला संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 233। अगला किस उच्च न्यायालय ने में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। सबसे कम गुवाहाटी उच्च न्यायालय में है, सबसे ज्यादा इलाहाबाद में। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 108। अब तक कितने विधेयक संयुक्त बैठक द्वारा पारित किए गए? 3। याद रखिए दहेज विधेयक 1961, बैंक कारी सेवा आयोग निरसन विधेयक 1978, आतंक विरोधी विधेयक 2002 पोटा को संयुक्त बैठक में पारित किया गया। अगला समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया? अनुच्छेद 14 से 18 तक। अगला लोकसभा का कार्यकाल किस परिस्थिति में एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए। अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो याद रखिए अनुच्छेद 51। अगला किसी एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था? तो याद रखिए संवैधानिक उपचार के अधिकार। अगला कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित नीति से वैसे राज्यों को राजस्व सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। अगला भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है? तो याद रखिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अगला संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो याद रखिए अनुच्छेद 350 काम है। अगला है भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रीय को कब परामर्श राष्ट्रपति को कब परामर्श देता है? जब राष्ट्रपति ऐसे परामर्श के लिए कहता है। अगला अंडमान निकोबार द्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में? तो याद रखिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। अगला संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार बताता है? नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होंगे, इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा, तीसरा अंग राष्ट्रपति। अगला भारत की संप्रभुता एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया संविधान की प्रस्तावना में। अगला किस अवधि में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे? 1964 से 1966। अगला संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अगला है पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा संविधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वें संविधान संशोधन। अगला है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पादन को जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है प्रदान किया जाता है? इको मार्क। अगला संसद में भारत रत्न आदि सम्मान प्रदान करने की प्रथा समाप्त करने के लिए कब अधिनियम पारित किया और कब पुनः चालू किया? जुलाई 1977 में पारित किया था और पुनः लागू किया 1980 में।
अगला, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। बताइए कम से कम कितने दिन लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? 14 दिन। अगला, संघ शासित क्षेत्र जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? राष्ट्रपति अपनी विनियमन बनाने की शक्ति द्वारा, अनुच्छेद 240 के तहत। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण वन तथा वन्य जीव की सुरक्षा का अधिकार मिला है? अनुच्छेद 48A के अंतर्गत। अगला, क्या लोकसभा राज्य द्वारा धन विधेयक के लिए की गई सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं? अगला, भारत के संविधान में सम्मिलित संवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? अनुच्छेद 25।